स्टूडेंट, कैसे हैं आप? अब काफ़ी समय बाद आज मैं आपको ये वीडियो भेज रही हूँ होम साइंस की छात्राएं जो क्लास टेंथ में आ गई हैं, तो सबसे पहले वो अपनी बुक ले लें मार्केट से, गृह विज्ञान की किताब राजीव प्रकाशन वाली लें, और सभी बच्चे राजीव प्रकाशन वाली दें। जैसे कि नाइन्थ में थोड़ा पहले ही खरीद ली थी आपने, ये गलती ना करें, जो कि लेखिका जिसकी है सत्यवती पांडे, ये नोट कर लीजिए, राजीव प्रकाशन और सत्यवती पांडे की ही आप लेखिका सत्यवती पांडे की ही बुक खरीदें और कोई सी ना खरीदें, क्योंकि क्लास में बड़ी फिर प्रॉब्लम हो जाती है, आप लोगों को दिक्कत ज़्यादा हो जाती है। अब मैं आपको होम साइंस के फर्स्ट चैप्टर की जानकारी दूंगी कि जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, शिक्षिका द्वारा प्रतिदर्श बजट प्रदर्शन, यानी आप क्लास में जब ये चैप्टर पढ़ेंगी तो आपको पूरा बजट से संबंधित ज्ञान प्राप्त होगा। बजट क्या होता है, हम सबसे पहले थोड़ी सी जानकारी दें कि पारिवारिक बजट वह बजट है जो कि परिवार की अर्थव्यवस्था से होता है। परिवार की वह आय जो कि एक विशेष अवधि में प्राप्त होती है, चाहे वो महीने में हो या एक वर्ष की आय हो, जैसा भी हो, मतलब बिजनेसमैन के लिए तो अर्धवार्षिक भी आय जोड़ी जाती है और सर्विस वालों के लिए महीने वाली आय जोड़ी जाती है। तो जो आय हमारे घर में आती है वही बजट होता है हमारे घर को चलाने के लिए। तो किसी भी क्वेश्चन को लिखने के लिए मैंने पहले भी आपको नाइन्थ में लिखवा दिया था कि परिभाषा बहुत जरूरी होती है। मार्शल के अनुसार बजट किसी परिवार की आय व्यय का मोटा एक अनुमान होता है, मोटे तौर पर एक अनुमान होता है कि हमारे घर में कितना पैसा आ रहा है और हम कितना खर्च करें, वही बजट होता है। यदि आप दूसरे शब्दों में समझेंगे तो किसी निश्चित समय अवधि के लिए परिवार की आय व्यय का पूर्वानुमान है, यानी पहले से ही हम एक अनुमान लगा लेते हैं कि हमारे एक महीने में कितने रुपए खर्च होंगे, कितना बिजली का बिल जाएगा, कितना शिक्षा के लिए जाएगा, कितना स्वास्थ्य के लिए, एक मोटे तौर पर अनुमान लगा लेते हैं और हम बजट तैयार करके रख लेते हैं। अब जब हम बजट तैयार करके रख लेते हैं तो हमें बहुत से लाभ होते हैं और हमारे साथ साथ पूरे समाज को, जैसे कि सबसे पहले तो गृहिणियों को ही लाभ होता है। क्यों? क्योंकि गृहिणियाँ ही घर की संचालिका होती हैं और प्रत्येक परिवार में गृहिणी के हाथ से ही जो खर्च होता है वह आय में सम्मिलित किया जाता है। गृहिणियाँ चाहें तो घर को ऋण मुक्त कर सकती हैं, घर के आय से अपना अनुमान लगाकर ऋण मुक्त कर सकती हैं, और गृहिणियाँ चाहें यदि वो अनुमान लगाकर नहीं चले तो ऋणग्रस्त भी हो जाता है। तो सबसे पहले गृहिणियों को लाभ होता है। गृहिणियों को क्या लाभ होता है? एक तो बजट बनाएंगे तो पूरे महीने का उन्हें ये पता चल जाएगा कि हमारे एक महीने में कितना खर्च होना है और हम किस किस चीज़ को प्रमुखता दें, ठीक है ना। दूसरा है कि गृहिणियों को अगर बजट बनाकर चलती हैं तो आय का अनुमान लग जाता है। दूसरा बचत का श्रेय भी बन जाता है कि अगर हमने अपनी आय का इतने प्रतिशत खर्च किया और इतना प्रतिशत बचा तो हम बैंक में या किसी भी पॉलिसी में कितना जमा कर सकते हैं। प्रमुख गृहिणियाँ ही होती हैं तो गृहिणी को लाभ होता है। दूसरा, अगर हम बजट बनाकर चलते हैं तो घर के प्रत्येक सदस्य को संतुष्टि प्राप्त होती है। घर के प्रत्येक सदस्य को संतुष्टि कैसे प्राप्त होती है? मान लीजिए बच्चे को शिक्षा पर ज़्यादा शिक्षा के लिए चाहिए, वृद्ध लोगों के लिए उनके स्वास्थ्य के लिए चाहिए, तो अगर हम बजट बनाकर चलेंगे, उसमें बचत करके चलेंगे, तभी तो इन सब की हम पूर्ति कर पाएंगे। तो गृहिणियाँ प्रमुख होती हैं, इसलिए सबसे पहले नंबर पर गृहिणियों को ही लाभ बताया गया है। दूसरा है अर्थशास्त्रियों को लाभ। जब गृहिणियाँ घर पर लाभ, मतलब इस चीज़ का लाभ उठाकर बजट बनाकर चलती हैं तो उससे क्या होता है कि हमारे प्रत्येक परिवार की आय का आंकड़ा लगकर
ये अर्थशास्त्रियों को पता चलता है कि अर्थशास्त्रियों को कि कितना हमारे देश में खपत हो रही है, कितनी और जरूरत है और किस किस चीज पर हमें व्यय करने की या उन्हें और अधिक प्रस्ताव रखने की सरकार द्वारा, तो ये सब अर्थशास्त्रियों का आंकड़ा बन जाता है। तीसरा है समाज सुधारकों को ला, समाज सुधारक भी हमारे समाज में होते हैं जो कि कई ऐसी स्थितियां आ जाती हैं कि जिनको वो समाज सुधारक अपने या कई रिच फैमिली के होते हैं वो दान करते हैं, उनके माध्यमों से गरीबों की किन किन स्थितियों को ज़्यादा डेवलपमेंट करना है इस चीज़ों को लेकर वो इसका आंकड़ा बना लेते हैं, फिर वो उस पर खर्च करने के लिए एक योजना तैयार करवा देते हैं और करते भी हैं। फिर चौथा नंबर आता है सरकार को लाभ। जब हमारे अर्थशास्त्रियों को लाभ हुआ, पूरा अनुमान पता चल गया कि इस वर्ष किस चीज पर ज्यादा खर्च करना है। तीसरा समाज सुधारकों को लाभ हुआ, उन्हें भी पूरा देश का हाल पता चल गया। अब इनके थ्रू हमें सरकार, हमारी सरकार के पास ये बात पहुंच जाती है कि किस प्रदेश में किस चीज की ज्यादा प्रॉब्लम है या किस पर ज्यादा खर्च करना है, कौन कौन से खाद्य पदार्थ ऐसे हैं जिन पर कर हटाना है, क्योंकि गरीबी और ज्यादा, अगर कर लग जाता है तो गरीब इंसान पर गरीबी और ज्यादा हो जाती है, वह और कर्जमंद हो जाता है। तो जब हमारी सरकार को पता चलता है तो कई ऐसी विलासिता संबंधी चीजें होती हैं उन पर कर ज्यादा लगा देते हैं और खाद्य पदार्थ होते हैं उन पर कम लगाते हैं, सरकार को भी काफी तरीके से लाभ होता है। तो बजट बनाने से पूरे मतलब एक ये जैसे पृथ्वी का पूरा घूमने का एक चक्कर होता है, उसी प्रकार बजट बनाने से हमारे एक परिवार से लेकर सरकार तक को सबको पता चल जाता है और सभी इसके अंतर्गत आ जाते हैं जिससे कि सबको लाभ प्राप्त होता है। इसका अगला जो चैप्टर है वो मैं कल समझाऊंगी आपको और रिटिन में भेजूंगी, आप ले लेना। सबसे पहले मेरी एक बात मानना, COVID-19 अभी गया नहीं है, आप अपने COVID-19 का पालन करना, जो शर्तें रखी गई हैं, बाहर बिल्कुल नहीं निकले, अगर कोई काम नहीं है तो आप बिल्कुल बाहर नहीं निकले, शादी विवाह में बिल्कुल सुरक्षित रहें, मास्क लगा के जाएं, सबसे हटकर रहें, कोई ज़्यादा संपर्क ना रखें, क्योंकि आपका 10th क्लास है, पढ़ाई भी बहुत पीछे हो गई है, आम तरह से पढ़ाई नहीं हो पा रही है, हम समझ रहे हैं आपकी पढ़ाई बिल्कुल उस तरीके से नहीं हो पा रही है जैसे कि मैं शुरू से ही आप लोगों को पढ़ाती रही हूँ, और आप अपनी रक्षा जरूर करें। बेटा देखिए जीवन है तो सब कुछ है, जरा सी लापरवाही बहुत परेशानी कर देगी, और इस साल तो आपको 10th का एग्जाम देना है, बिल्कुल सुरक्षित रहें, बिल्कुल किसी से ज़्यादा संपर्क ना रखें, घर पर रहें और सैनिटाइजर करते रहें।